आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं, जब हमारा मोबाइल हैंग करता है तो हमें अपने मोबाइल को क्या रीसेट करना चाहिए या उसमें सॉफ्टवेयर डलवाना चाहिए किसी मोबाइल दुकान में जाकर। आपको दोस्तों ये डाउट है और दोस्तों आपका ये कमेंट भी आया है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको यही बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है सब किसी के साथ होता है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ था, बट मुझे बाद में पता चला कि सही तरीका क्या है और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको भी मैं सही तरीका बताने वाला हूँ कि आपको भी क्या करना चाहिए, आपके जब मोबाइल हैंग करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर डलवाना चाहिए या उस मोबाइल को दोस्तों रीसेट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि आपका जो मोबाइल है वो हैंग क्यों करता है, ठीक है। हैंग आपका मोबाइल तभी करता है जब आपके मोबाइल में जो भी रैम है, मान लेते हैं आपके मोबाइल में 4 GB रैम है और स्टोरेज है 64 GB, ठीक, और आपके मोबाइल में जो भी रैम है 4 GB का रैम और आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के चलते ही आपके जो रैम है 4 GB का वो फुल हो जाता है और आप दोस्तों फालतू का एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में भर लेते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपके जो रैम है वो दोस्तों फुल हो जाता है। उसके बाद रहा दोस्तों स्टोरेज। स्टोरेज में जब आप कोई भी वीडियो आप शूट करते हो या आप अपने फोटो शूट करते हो तो उसमें ऑडियो वीडियो और दोस्तों फोटो ढेर सारा हो जाता है, जिस कारण दोस्तों आपका रैम और स्टोरेज फुल हो जाता है और उसके बाद दोस्तों हैंग करना शुरू कर देता है। और आप सोचते हैं दोस्तों कि इस मोबाइल को किसी मोबाइल दुकान पर जाकर इसमें सॉफ्टवेयर हम डलवाएं, तो देखिए अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपके दोस्तों जो भी रैम है और स्टोरेज है फुल हो चुका है और सही तरीके से काम करना बंद कर दिया है आपके मोबाइल, तो आप क्या कीजिए दोस्तों, उसको दोस्तों रीसेट कर दीजिए, ठीक है। और रीसेट करने से पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल में जो भी फ़ोटो हैं, इम्पोर्टेंट जो भी फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, उस फोटो और वीडियो को क्या कीजिए कि आप अपने SD कार्ड में कॉपी कर लीजिए, फाइल में जाकर SD कार्ड में दोस्तों क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप अपने मोबाइल को क्या कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए। उसके बाद रीसेट करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी फोटो है, इम्पोर्टेंट फोटो, ऑडियो, वीडियो, वो सब दोस्तों डिलीट नहीं होगा क्योंकि दोस्तों आप उसे SD कार्ड में कॉपी कर लिए हो, ठीक। उसके बाद दोस्तों आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों किसी मोबाइल दुकान पर जाकर सॉफ्टवेयर डलवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोस्तों सिर्फ क्या करना है, अपने मोबाइल को दोस्तों रीसेट करना है, ठीक। तो आप बिना रीसेट करे दोस्तों आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे दोस्तों आप उसे सही तरीके से चला सकते हो, यूज कर सकते हो, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपके मोबाइल में जो भी फालतू का एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आपको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, ठीक है। और आपके मोबाइल में जो भी फालतू का ऑडियो है, फालतू का फोटो है, फालतू का वीडियो है, उसे डिलीट करना होगा। डिलीट करेंगे तो आपके जो भी रैम है वो रैम में दोस्तों जो फुल है वो दोस्तों खाली हो जाएगा और जो भी स्टोरेज है वो भी खाली हो जाएगा और दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो हैंग करना कम कर देगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप उसे रीसेट कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों मैं जो भी आप सबको बताया हूं आप सब दोस्तों समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप समझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्लैक एंड घंटे के निशान ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर आप सबको देखने को मिलता रहेगा, ऑनलाइन टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए दोस्तों आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।